रीट परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक ओर जहां राजस्थान सरकार कोशिशें कर रही है, वहीं जोधपुर में करीब 80,000 लोगों के लिए उत्कर्ष परिवार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये किसी शादी समारोह या किसी पार्टी की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि रविवार को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर 65,000 अभ्यर्थियों और उनके परिजनों यानी कुल मिलाकर करीब 80,000 लोगों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था है, जो कि उत्कर्ष परिवार की ओर से की गई है। उत्कर्ष क्लासेस एंड एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड CEO निर्मल गहलोत ने ये जानकारी दी। रीट का महा आयोजन होने जा रहा है। रीट एक तरह से राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का महाकुंभ है। 26 सितंबर रविवार के दिन आयोजन हो रहा है और इस अवसर पर जोधपुर में पूरे राजस्थान भर से हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनको उत्कर्ष की तरफ से भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई है। पहली पारी के पश्चात विद्यार्थियों का दूसरी पारी का भी एग्ज़ाम है, तो जैसे पहली पारी समाप्त होगी 12:30 बजे उसी समय जिला प्रशासन, नगर निगम उत्तर, नगर निगम दक्षिण, आप सभी के सहयोग से भोजन वितरण होगा और उत्कर्ष संस्थान की तरफ से 65,000 विद्यार्थियों का भोजन जो है वो निर्मित हो रहा है। निर्मल गहलोत ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों तक भोजन की व्यवस्था करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से 47 कट बनाए गए हैं और प्रत्येक रूट में 3 से 5 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ व्यवस्था पर चौकस नजर रखने हेतु प्रत्येक कट और सेंटर के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। पहले हमारे नगर निगम क्षेत्र में ही ये बांटने की योजना थी, लेकिन अब जिला प्रशासन के सहयोग से जो ग्रामीण स्कूल है, चाहे बोरानाडा है, सालावास है, चाहे तनावड़ा है, भोपालगढ़ है, डांगियावास है, केरू है, बावड़ी है, ऐसे सभी ग्रामीण स्कूलों में भी, मतलब पूरे जोधपुर जिले की 184 स्कूलों के अंदर भोजन ये वितरित होने वाला है। कितना बड़ा ये महायोजन है इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लगभग 450 हलवाई और उनके सहयोगी इसमें जुटे हुए हैं, 500 से अधिक कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। हमने भोजन वितरण करने के लिए 47 रूट इसके बनाए हैं, 90 पिकअप की सहायता से बनाया जाएगा। भोजन की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, 5 टन मतलब 5,000 किलो जो है वो बेसन की चक्की वो बनी है। पूड़ियाँ की अगर बात करें तो 7,500 किलो मतलब कि 7.5 टन जो है वो पूड़ी निर्मित हो रही है। पूरे देश में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक साथ एक ही दिन में इतने ज्यादा भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई हो। निश्चित तौर पर उत्कर्ष क्लासेस का ये प्रयास सराहनीय है और अन्य संस्थाओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए। शिवप्रकाश राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।